आप देख सकते हैं ये वाला फुल बेड का डिज़ाइन है, ये CNC से बना हुआ है। इसका फिनिशिंग आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है आरुष और आप देख रहे हैं TTP टेक्नोलॉजीज। तो ये हम लोग का नया इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट, ये आलमगंज पे इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, ये कस्टमर के पास मेरा पहले भी एक मशीन दिया हुआ है, तो अभी इन्होंने मेरे से और एक नया मशीन लिया है। तो ये बेड का डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इनको बोला एक बार मशीन को रोक दीजिए, मैं एक बार थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं कि कितना फाइन फिनिशिंग से पूरा बेड रेडी है इनका। और ये हम लोग का मशीन है, मशीन के अंदर हम लोग का ये 6 किलोवाट का गैंट्री लगा हुआ है और ये सर्वो मोटर के अंदर है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं हम लोग का मशीन जो है ये ब्रांडेड मशीन है, इंपोर्टेड मशीन है। हम लोग इंडियन मेड मशीन पर अभी तो काम नहीं कर रहे। और ये ड्रैग चेंस वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन्स हैं। तो मेरे ये इंजीनियर मशीन्स को थोड़ा सा इधर उधर करके देख रहा था, तो ये जो मशीन है ये आलमगंज धुबरी के सामने लगा हुआ है जो कि आसाम पे है। ये जो मार्केट है आलमगंज, ये फुल्ली फर्नीचर का मार्केट है। और ये हम लोग का जो कस्टमर है, इनके पास हम लोग का काफ़ी सारा, मतलब पहले भी एक मशीन लगा हुआ है, तो अभी और एक मशीन ले ली है। इसी मार्केट पर हम लोग का और भी मशीन लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मशीन्स वगैरह का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग इनका जो मार्केट है वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो मार्केट है ये इनका एंट्रेंस मार्केट है। छोटा छोटा ऐसे बहुत दुकान है जहाँ पे बहुत बारीकी से जो है फर्नीचर्स का काम किया जाता है। तो आप जैसे देख सकते हैं ये जो है ये बेड्स है सारे। ठीक है, ये भी CNC से कटिंग हुआ हुआ है। तो सारा बेड के ऊपर क्या करते हैं इन लोग, कटिंग करते हैं, उसके बाद इनको इनके ऊपर बर्निश करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स देखे, ये देखे, वो देखे, अच्छा से इनका बर्निश करने के बाद इसका फिनिशिंग जो है बहुत हाई हो जाता है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये वाला रूम पे एक हम लोग का मशीन लगा हुआ है और एक रूम है उसमें भी मशीन्स लगा हुआ है। तो ये फुल्ली फर्नीचर मार्केट है और अच्छा अच्छा मतलब बहुत बारीकी से इन लोग काम करते हैं। और ये जैसे आप देख सकते हैं पूरा फुल दरवाज़ा अभी थोड़ी देर पहले रेडी करके रख दिया है इन लोगों ने। तो ये दरवाज़ा के अंदर CNC का फुल अच्छा से हाई फिनिशिंग से कटिंग रेडी है। उसके बाद इनको जैसे ये देख सकते हैं ये इनका फैक्ट्री एरिया है जहाँ पे इन लोग घिसाई करता है इसको, है ना, फिनिशिंग करता है रेगमल मार के। तो उसके बाद पेंट वगैरह करते हैं। ठीक है, ये इनका देखिए बेड का सामने वाला जो पाया टाइप का है उसका ये फुल्ली बना के रखे हैं, फेविकॉल लगा के। तो डबल डबल पेस्टिंग करते हैं उस हिसाब से। तो अगर आप भी ये वाला बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हम लोग से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मेन डिस्ट्रीब्यूटर है। हम लोग के पास रेडी स्टॉक CNC राउटर्स एनी टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम लोग कोई दूसरे कंपनी से लाके नहीं बेचते हैं और हम लोग के पास अच्छा इंजीनियर्स हैं। हम लोग कस्टमाइज्ड मशीन बना सकते हैं, आपको जैसा मशीन चाहिए, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हम लोग सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दे सकते हैं। धुबरी साइड में हम लोग के पास काफ़ी मशीन है, गौरीपुर में हम लोग का मशीन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटा सा एरिया है लेकिन यहाँ पे काम बहुत लाखों करोड़ों का काम होता है। यहाँ का जो फर्नीचर्स ये बाहर भी जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में भी जाता है। तो जैसे ये देखिए, ये और एक बेड का डिज़ाइन है, ये भी कटिंग करके रखा हुआ है। ये फ्रेंड्स इतना मोटा लकड़ी नहीं होता, ये डबल जो है जॉइनिंग देते हैं जो कि बर्निश करने के बाद कुछ भी समझ भी नहीं आता। ये इनका फैक्ट्री की मतलब अभी सामने देखिए, ये वाला नेक्स्ट वाला इनका मतलब शोरूम है और ये वाला इनका वेयरहाउस है। तो यहाँ पे और एक दरवाज़ा है, मतलब सॉरी बेड लगाया हुआ है। तो मतलब लकड़ी का काम इतना अलग लेवल का होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जाके मतलब ताज्जुब हो गया कि मेरा काम, मतलब हम लोग क्या खाली मशीन सेल करते हैं, मेरे को आइडिया ही नहीं होता कि क्या बनाते हैं इन लोग। हाँ, कभी फ़ोटोज़ भेजते तो अलग चीज़ है, लेकिन इस बार मैं खुद विज़िट किया इनके फैक्ट्री पे। ये मेरे को बोल रहे थे कि सर एक बार आप आइए मेरे फैक्ट्री पे, आपका मशीन्स लगा हुआ है, हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो आप लोग एक बार देख के जाइए। तो मैंने चला गया इसके फैक्ट्री पे देख के फ्रेंड्स। बट ये जो काम है इनका, मतलब देख के लिटरली मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग जो मशीन सेल करते हैं तो उसके बाद इन लोग इससे क्या क्या नायाब चीज़ बना देते हैं, मतलब वो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी आगे है। ये देखिए, ये बर्निश करके ये वाला पूरा का पूरा दरवाजा, बेड का पीछे वाला पार्ट रखा हुआ है जो कि मतलब अलग लेवल का फिनिशिंग है। मतलब मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, ठीक है, मैंने गुवाहाटी में भी इतना हाई फिनिशिंग का काम नहीं देखा है। तो किसी को अगर इस टाइप का फर्नीचर्स डायरेक्टली परचेज भी करना होगा तो मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं इनका नंबर दे दूंगा। ये देखिए, ये और एक टाइप का लाइक बॉक्स टाइप का जो बेड होता है वो बना के रखा है। ठीक है, ये आप फिनिशिंग देखिए, जितना ग्लॉस है और जितना डेप्थ लेवल पे मेरा राउटर से काटा इन्होंने, तो वो काबिले तारीफ है। मतलब आप पकड़ ही नहीं पाओगे, मतलब हाथ से इतना अच्छा फिनिशिंग, इट इज़ इम्पॉसिबल फ्रेंड्स। और मशीन से भी अगर आप ले रहे हो मशीन्स, तो मशीन का क्वालिटी होना चाहिए। इतना डार्क डीप लेवल तक खड्डा करने का मशीन का कैपेसिटी भी होना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि कितना डेप्थ लेवल तक फिनिशिंग किया है। बाकी इनका बर्निश करने का जो काम है उससे इसमें जो है चार चार लगा दिया है।
तो ये देखिए, ये और एक दरवाजा आई मीन बेड है। तो मेरे को बोला था ये जो बेड है ये ऑलमोस्ट 85,000 का कोई कस्टमर्स को ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये रेडी होके पड़ा हुआ है अभी कस्टमर्स। मैं जब शूटिंग करा था उस टाइम पे ईद था, तो ईद का एक दो दिन बाद ही कस्टमर आके इनसे जो है डिलीवरी लेने वाला है। ये मतलब कितना हाई लेवल का फिनिशिंग से इन्होंने काम किया, आप देख सकते हैं। कटिंग का आप फिनिशिंग देखिए, ये CNC कटिंग का ही फिनिशिंग है जो कि मेरा मशीन से किया गया है, ठीक है। ये फिनिशिंग हाथ से करना मतलब देखो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, पहले जब मशीन नहीं था तब तो इंसान हाथ से ही करता था, लेकिन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये 85,000 का बेच रहे हैं तो आप सोच सकते हो फिर अगर आप लेबर का खर्चा एक्स्ट्रा और ऐड करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिनिशिंग लाजवाब है, और इनका टोटल शोरूम के अंदर मतलब अलग लेवल का जो है फर्नीचर्स बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। तो ये और एक जैसे दरवाज़ा है, ये फिर डाइनिंग ड्रेस आई मीन डाइनिंग टेबल्स है, ठीक है, सेंटर टेबल्स भी बनाते हैं, फिर उसमें अलमीरा अलग अलग चेयर्स का डिज़ाइंस बनाते हैं। तो मतलब टोटली स्टंट था मैं देख के, और मशीन्स भी जो है इतना कारीगरी से इन लोग मशीन्स को चलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइंस तो हम लोग ही दे देंगे, ये जो बेड का डिज़ाइन ये मेरा ही दिया हुआ है इनका। तो हम लोग कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट 180 GB डेटा देते हैं, जिसमें बेड का, डोर्स का, हर एक चीज़ का डिज़ाइन सबको मिल जाएगा। एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई नया डिज़ाइन चाहिए तो वो भी आप हम लोग को बोल सकते हैं। तो ये वाला जो वीडियो था ये फ्रेंड्स मैंने नहीं किया है, मेरा कस्टमर ने मेरे को किया है वर्किंग वीडियो, ठीक है। एक कस्टमर ने करके मेरे को आई मीन वीडियो पहले भेजा था, इसलिए इसका हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी डिग्रेडेड है। तो जस्ट मैंने एक डाल दिया क्योंकि मेरे पास ये वाला मशीन का इनका पास इनके पास जो बेड कटिंग कर रहे थे उसका कोई वीडियो नहीं था। तो आप जैसे देख सक रहे हैं ये अभी जो बेड कटिंग हो रहा है, हो सकता है आपको देखने में लग रहा होगा कि इतना डेप्थ लेवल पे नहीं कटिंग हो रहा है, लेकिन जब ये इसके ऊपर रेगमल घिसते हैं, ठीक है, ब्रश मारते हैं, तो इसका जो ओरिजिनल फिनिशिंग है वो बाहर के निकल के आ जाता है। ये जैसे हम लोग का सर्वो स्टेबिलाइजर है विद आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये भी हम लोग ही देते हैं कस्टमर्स को मशीन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये जैसे हम लोग का कैबिनेट है और ये हम लोग का मशीन है, आप देख सकते हैं जैसे हैवी ड्यूटी मशीन। मशीन का फिनिशिंग देख के आप बता सकते हैं कि मशीन का क्वालिटी कैसा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको किसी को भी मशीन का कोई रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए फ्रेंड्स, हम लोग के पास अमीन गांव पे हम लोग का फैक्ट्री है। तो आप कभी भी आइए, हम लोग का मशीन्स देखिए, मशीन्स अगर आपको समझ में आता है, जैसे कि मैं सारे कस्टमर्स को बोलता हूँ मैं हाथों हाथ मशीन्स को लोड करूँगा ट्रक में और हाथों हाथ आपको मैं दे दूँगा। आप ट्रक के साथ ही बैठ के आप डायरेक्टली चला जाइए अपने घर पे, नेक्स्ट डे मेरा इंजीनियर चला जाएगा। हम लोग के पास कोई वेटिंग पीरियड नहीं है कि मैं आपसे एडवांस लूँगा ऐसा कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोग का प्यार मेरे को देते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।